फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल मामूल पर आ गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान पथराव से 2 डीएसपी समेत 15 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा। जी यूसुफ। देखिए बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस तमाम शहर के मामूलत ज़िंदगी जो है वो दरम बरम हो चुके थे भरपूर। और इसके साथ साथ ना सिर्फ पुलिस के साथ झड़पें जारी नहीं बल्कि ताजरों के साथ तसादम देखने में आया, जहाँ पे इनकी दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराया गया। मजमू तौर पर बात की जाए तो आज के रोज़ में तकरीबन ज़िंदगी के मामूल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हुए हैं। इस वक्त हम लोग स्टेशन रोड पर मौजूद हैं। अगर अब्दाई तौर पर बात करें तकरीबन 2 DSPs समेत तकरीबन 15 पुलिस अहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको लाइट अस्पताल मुंतकिल किया, जिनका तबी इमदाद दी जा रही है, जिनका इलाज वहाँ पर जारी है। इसके साथ साथ कुछ जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के वो भी जख्मी हुए हैं। मजमू तौर पर अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक हैवी डिप्लॉयमेंट जो है शहर भर के अंदर कर रखी है। तहरीक इंसाफ की जनब से जो है कॉल दी जा रही है कि दोबारा से कारकुनान जो है वो बाहर निकले और मोटरवे समेत अहम शहरा को जो है ब्लॉक करे। तमाम इस वक्त तक जो बिल्कुल हालात नॉर्मल है और तमाम लोग जो है अपने अपने कामकाज की तरफ जारी हैं। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।